भारत के नए संसद भवन की गरिमामयी चमक ने दुनिया के कई मुल्कों को चकाचौंध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शान से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन किया और सेंगोल की स्थापना की, उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र समझने वाले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए संसद भवन को लेकर जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। लेकिन नई संसद बिल्डिंग की तारीफ कर चीन ने चौंका दिया है और इसे संदेह की नजरों से भी देखा जा रहा है। आखिर चीन ने इतनी जल्दी और सहजता से नई संसद की प्रशंसा क्यों की? साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि पश्चिम देश अपने फायदे के लिए चीन और भारत के बीच दरार पैदा कर रहे हैं और चीन दोस्त होने के नाते इसके प्रति भारत को आगाह करता है। आखिर ऐसा कहने के पीछे चीन की मंशा क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, नई संसद के उद्घाटन के साथ ही भारत ने गुलामी के प्रतीक को अतीत में छोड़ दिया है। विपक्ष ने भले ही उद्घाटन के मौके पर सरकार का विरोध किया हो, लेकिन पड़ोसी देश चीन ने भारत की जमकर तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नए संसद भवन के बारे में चीन ने कहा कि हम नीति युक्त और भावमय रूप से भारत के डिकोलोनाइज का सपोर्ट करते हैं। बता दें कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान करीब एक सदी पहले बने पुराने संसद भवन को म्यूजियम में बदला जाएगा। नई संसद भवन को मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुख्य परियोजना माना जाता है। सेंट्रल विस्टा का मेन मकसद नई दिल्ली को कॉलोनियल काल की निशानी से मुक्त करना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई संसद भवन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का गवाह बनेगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन ने कहा कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की कीमत करीब $120 मिलियन है। इसमें कमल का फूल, मोर और बरगद के पेड़ जैसे राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं जो भारत की ट्रेडिशनल हिस्ट्री और कल्चर को दिखाते हैं। यह भारतीय सरकार के डिकोलोनाइजेशन उपायों की सीरीज का एक अहम हिस्सा है। भारत करीब 200 साल तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। भारत में कॉलोनियल प्रभाव के निशान गहन और व्यापक दोनों हैं। ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया कि इससे पहले 1968 में भारत की सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटा दिया था। इसके बाद 8 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के दिन इंडिया गेट के सामने स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों बांधी चीन ने तारीफों के पुल। इसकी कई वजह है। हाल के सालों में भारतीय कूटनीति के आगे चीन की एक चाल सफल नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार ने दुनिया में एक उभरते हुए भारत की छवि पेश करने में कामयाबी पाई है। दुनिया के कई मुल्कों में भारत को शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से भारत के संबंध पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं। भारत ने उन देशों के साथ दोस्ती को और पुख्ता बनाने में सफलता हासिल की है जहां चीन या तो डोरे डालने की कोशिश करता रहा है या फिर जो मुल्क चीन के विस्तारवाद को नापसंद करते रहे हैं। भारत की इस सफल कूटनीति के आगे चीन को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, लिहाजा वो तारीफ करना ही बेहतर समझता है। चीन पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिका का विरोधी रहा है। जैसा कि चीन को पता है कि भारत में हाल के सालों में उपनिवेशवादी और गुलामी की निशानियों की भरपूर की कोशिश की गई है, जिसके तहत इमारतों, शहरों और सड़कों के नाम बदले गए हैं। चीन इस बहाने तारीफ करके अपना पश्चिम विरोध प्रदर्शित कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पहले चीन ने नई संसद भवन की तारीफ करके दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने का पांसा फेंकने का प्रयास किया है। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने भारत की राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने और अधिक स्वतंत्र रहने की इच्छा भी व्यक्त की है। संपादकीय में लिखा गया है कि भारत को वास्तव में एक सभ्य देश के दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास को मजबूती से प्रदर्शित करना चाहिए और पश्चिमी देशों की राजनीति के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा कि पश्चिम के पास अब सीधे तौर पर चीन और भारत को वश में करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे दोनों के बीच तनाव बढ़ाने का खेल खेलते हैं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन और भारत के बीच दरार पैदा करने के लिए पश्चिम ने बार बार भारत की चापलूसी की है। पश्चिम भारत को चीन की जगह लेने के लिए उकसाता है। वो चीन और भारत के बीच सीमा विवाद में भारत का पक्ष लेता है और यहां तक कि भारत को चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है और कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत को यह समझना चाहिए कि पश्चिम की ये एक जाल है। भारत को पश्चिम की भू राजनीतिक जाल में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, चीन इस समय बौखलाया हुआ है। वजह है ताइवान। अमेरिका और ताइवान की नजदीकियां उसे परेशान कर रही हैं। ताइवान खुद को आजाद मुल्क बताता है तो चीन का कहना है कि वो उसका हिस्सा है। चीन ताइवान के अस्तित्व को नकारता आया है। वो हर हाल में इसके एकीकरण का सपना देखता है। वैसे तो दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद है, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के हालिया अमेरिकी दौरे से चीन तिलमिलाया हुआ है। इसी तिलमिलाहट से उसने ताइवान के पास सैन्याभ्यास भी शुरू कर दिया है, जिसे वो युद्ध की तैयारी बता रहा है। दोस्तों,
इस समय चीन को डर लग रहा है क्योंकि भारत जाने वाला है फिर से अमेरिका के पास मीटिंग में और वहां वो मिलिट्री समझौता कर सकता है, जिससे चीन की हालत खराब हो चुकी है, उसकी नींद उड़ चुकी है और वो रिमाइंडर देना चाहता है। लेकिन चीन को नहीं पता कि अपने यहाँ सरकारी गलियारों से लेकर आम आदमी तक सब चीन को दुश्मन समझते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत काफी हद तक चाइनीज वस्तुओं पर निर्भर है। हालांकि हम चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हमारा बाजार चाइनीज सामानों से भरा हुआ है। उद्योग जगत के तो अधिकतर कच्चे माल वहीं से आ रहे हैं, रेलगाड़ी के पहिए से लेकर कार बटन में काम आने वाली सुई सब कुछ चीन से ही आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति में आए बदलाव का असर दुनिया भर के देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। भारत भी इससे अप्रभावित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार भी करवट ले रहा है। यही वजह है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है, जबकि चीन इस जगह पर लंबे समय से कब्जा जमाए हुए है। लेकिन अब भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक रिश्तों के तौर पर देखा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत की द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 2020-21 में यह आंकड़ा 80.51 अरब डॉलर का था। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत का अमेरिका से निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर रहा था। वहीं इस दौरान अमेरिका से भारत का आयात बढ़कर 43.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वर्ष में 29 अरब डॉलर था। व्यापार क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद व्यापार भागीदार के रूप में उभर रहा है और ग्लोबल कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। ग्लोबल कंपनियां अपने कारोबार को भारत और अन्य देशों में बढ़ा रही हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और अमेरिका दोनों ही चीन से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि चीन ये कहता था कि ये दोनों देश मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन दोनों में कोई इम्यूनिटी नहीं है और ना ही एक दूसरे पर भरोसा है और दोनों कभी आपस में व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन प्रोविजनल की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि चीन कुछ भी कहता रहे या किसी भी तरह की गलत फहमी पाले रहे, लेकिन भारत और अमेरिका ने न सिर्फ उसे गलत साबित कर दिया बल्कि यह भी प्रूफ कर दिया कि उन्हें एक दूसरे के साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।